डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। सब्जेक्ट MAPS 109, यूनिट 15, फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस। आई एम कामना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर UPRTOU। सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में फ्रांस की विदेश नीति से परिचित होना। नंबर दो, फ्रांस की विदेश नीति के सिद्धांतों को समझना। फ्रांस के साथ विभिन्न देशों के संबंधों से अवगत होना। तो सबसे पहले फ्रांस की विदेश नीति से हमको परिचित होना है कि वहाँ की विदेश नीति कैसी है, और फ्रांस की विदेश नीति के सिद्धांतों को हमको समझना है कि उसके सिद्धांत क्या हैं, और फिर फ्रांस के साथ विभिन्न देशों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले विश्व युद्धों के मध्यकाल में फ्रांस की विदेश नीति के दो केंद्र बिंदु जर्मनी संबंध और ब्रिटेन से सहयोग के लिए निरंतर संपर्क में थे। फ्रांस की भौगोलिक स्थिति ने भी उसे यूरोप में प्राकृतिक सीमा की खोज के लिए बाध्य कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि उसकी विदेश नीति में जर्मनी से जो है अच्छे संबंध उसको जो है रखना लाजमी हो गया था। इंग्लैंड से भी उसके अच्छे संबंध रखना था उसको, क्योंकि जो है उसकी जो भौगोलिक कंडीशंस थी तो जो है यूरोप के समीप रहने के लिए उसको बाध्य कर दिया था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जो भी शक्ति अर्जित की वह द्वितीय विश्व युद्ध में धूल में मिल गई। युद्ध और अस्थिर शासन ने फ्रांस को इतना निशक्त बना दिया कि वह प्रभावशाली विदेश नीति नहीं अपना सका। तो प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो फ्रांस की जो है शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी, वृद्धि हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति में जो वृद्धि हुई थी और बढ़ोतरी हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने अपनी शक्ति को खो दिया था। तो वो जो है असमंजस की स्थिति में था फ्रांस, कि हम जो है अपनी विदेश नीति को किस ओर ले जाएं, साम्यवादी गुट में अपने को शामिल करें कि पूंजीवादी गुट में शामिल करें। तो उसकी जो है अधर में स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, वो जो है शक्तिशाली विदेश नीति को नहीं अपना पा रहा था। उसने ब्रिटेन के साथ डंकर की संधि की तथा अमेरिका के साथ मार्शल योजना में भागीदार बनकर उसने अमेरिका से सहायता प्राप्त की। तो उसने जो है ब्रिटेन से और जो है अमेरिका से संधियां स्थापित की, ब्रिटेन से डंकर्स की संधि तथा अमेरिका से मार्शल योजना। मैंने कि जो कि पिछले जो है लेक्चर में मैंने बताया था कि यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका से मार्शल योजना के तहत संधि किया था और जो है सहायता प्राप्त किया था। तो फ्रांस ने भी मार्शल योजना के तहत अमेरिका से जो है अपनी जर्जर स्थिति को सही करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मार्शल प्लान योजना के तहत जो है संधि बनाया, संधि किया, और उसके तहत आर्थिक सहायता प्राप्त किया, और आर्थिक सहायता के तहत अपनी फ्रांस की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका तथा ब्रिटेन का साथ देने लगा। इस तरह फ्रांस की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मामलों में पराश्रित की बन गई। अब कहते हैं कि जिससे अगर हम जो है सहायता लेते हैं तो उसकी नीतियों को हमको फॉलो करना हमारी मजबूरी रहती है। तो इसी प्रकार विश्व जगत में भी वही स्थिति है। तो जिस प्रकार जो है फ्रांस की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, उसने पहले आर्थिक रूप से जो है सहयोग प्राप्त किया ब्रिटेन और अमेरिका से, लेकिन उसकी स्थिति क्या हो गई, उनकी जो है पॉलिसीज को अपनाना, अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसीज को अपनाना, फॉलो करना उसकी मजबूरी बन गई, और उनकी विचारधारा को जो है वो फॉलो करना उनकी जो है किसी न किसी तरीके से मजबूरी बन गई थी। और अमेरिका का जो है एक तरीके से सहयोगी के भूमिका में जो रहने लगा था फ्रांस। फ्रांस की अपनी कोई विचारधारा का कोई महत्व नहीं था कि किस ओर जाना चाहता है, किस ओर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसने जो है जिससे अपना आर्थिक सहयोग प्राप्त किया था, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका से, तो उसको फॉलो करना उसकी मजबूरी बन गई थी। अगला देखते हैं फ्रांस की विदेश नीति। तो फ्रांस की विदेश नीति क्या है, इसको हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, कि फ्रांस जो है
यूरोप के करीब है, उसकी जो भौगोलिक कंडीशंस है तो यूरोप के करीब है। फ्रांस में राजतंत्री शासन व्यवस्था थी जिसमें कि लुई 14वां और लुई 15वां और लुई 16वां का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान लुई 14वां का है, जो कि विश्व जगत में उसने अपनी एक छाप छोड़ी है, क्योंकि जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी का स्थान है, उसी प्रकार जो है फ्रांस में लुई 14वां का स्थान है। लुई 14वां को एक शक्तिशाली शासक के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब कि मेरे जो शब्द हैं, जो मैं आदेश देता हूँ, तो वही कानून बन जाते हैं। मतलब कानून और संविधान तो बना ही है, कानून वो तो फॉलो किए ही जाएंगे, लेकिन जो मैं आदेश देता हूँ वही कानून का रूप ले लेता है। तो मैं ही राज्य हूँ, मतलब कि मैं कानून से बड़ा हूँ। कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्री शासन व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्री शासन व्यवस्था हो, कानून सर्वोपरि होता है, ना कि राजा। तो राजा जो कि लुई 14वां फ्रांस में था, तो फ्रांस के राजा ने अपने आप को कानून एवं संविधान से सर्वोपर रखने का प्रयास किया। उसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। तो ये वर्ड जो है पूरे जो है जितना की थ्योरी लिखी गई है राजनीति विज्ञान की, सब जगह ये इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। तो इसके बाद लुई 14वां के बाद लुई 15वां 16वां तक इनका इनके वंश का शासन काल चलता है। धीरे धीरे करके इनके जो है वर्चस्व में कमी आती जाती है। फिर 1792 में गणतंत्र की स्थापना होती है, वहां एक क्रांति हो जाती है, तो राजतंत्र की जो है राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ही गणतंत्र की स्थापना होती है तो वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की स्थापना होती है, यानी कि जैसे कि अमेरिका में शासन व्यवस्था है तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हम अध्यक्षीय और संसदीय दोनों को मिला करके जो हम अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है उसको कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यही व्यवस्था फ्रांस में अपनाई गई है, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को ही पावरफुल बनाता है, दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, और जो है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और फ्रांस में यह कहा गया है कि फ्रांस एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य और लोकतांत्रिक होगा। तो फ्रांस के लोकतंत्र में लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना फ्रांस में भी की गई है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई, उसी प्रकार फ्रांस में भी राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस की अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका था, किंतु 1958 में पियरे फिलामे सरकार का पतन हो जाने के बाद दिगाल के प्रधानमंत्री काल में फ्रांस की स्थिति में परिवर्तन आया। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था, फ्रांस की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, उसने जो है अमेरिका और ब्रिटेन से अपने जो है आर्थिक मदद लिया था, इसीलिए उसकी जो है कंडीशंस उन्हीं के फॉलोअर्स के रूप में हो मानी जाती थी, और ना कि उनकी अपनी कोई विदेश नीति की प्रमुख अवधारणा या व्यवस्थित अवधारणा भी नहीं थी। तो जैसे ही पियरे का काल कार्यकाल समाप्त होता है और दिगाल के प्रधानमंत्रित्व काल में इस अवधारणा से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की फॉलोअर्स की भूमिका में रहते हैं, तो इसको जो है त्यागने का प्रयास किया जाता है, और फ्रांस ने एक अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाने का प्रयास किया, फ्रांस ने अपनी जो है सुदृढ़ विदेश नीति स्थापित करने का प्रयास किया। पांचवें गणतंत्र का काल का उदय हुआ। 3 जून 1959 को एक नए कानून का निर्माण किया गया। दिगाल ने फ्रांस की संवैधानिक समस्या का दृढ़ता के साथ सामना किया और उसने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में सम्मान दिलाया। दिगाल के नेतृत्व में फ्रांस अपने अंतरराष्ट्रीय सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। तो दिगाल ने अपने फ्रांस
की जो खोई हुई स्थिति थी तो उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। जब हम किसी के फॉलोअर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं तो यह माना जाता है कि उसकी अपनी कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई सुदृढ़ स्थित नहीं है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री दिगाल बने तो उन्होंने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी फ्रांस की तो उसको जो है स्थापित करने में पूरी जो है उन्होंने अपनी और अपनी पूरी भूमिका अदा करने का प्रयास किया। उसने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में सम्मान दिलाए। दिगाल के नेतृत्व में फ्रांस अपने अंतरराष्ट्रीय सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा वह अपने को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त कराने तथा ब्रिटेन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की चेष्टा करने लगा, इसलिए साम्यवादी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए। तो उसने जो है अमेरिका और ब्रिटेन से जो है मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था और अमेरिका का भी प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा था, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए और जो है उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए इन्होंने साम्यवादी देश, जैसे साम्यवादी देश हैं रूस और चाइना, तो रूस और चाइना से जो है घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास किया, और क्योंकि उसको जो है अमेरिका और ब्रिटेन से मुक्त होना था। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस और अन्य देश। तो फ्रांस के जो है संबंध अन्य देशों के साथ किस प्रकार से हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रा काल में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के आयामों को और अधिक विस्तार हुआ। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नवंबर 1981 में फ्रांस की यात्रा की। संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों द्वारा एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करने पर बल दिया गया। फ्रांस ने तृतीय विश्व युद्ध के गरीब राष्ट्रों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए भारत के साथ महाशक्तियों से दूरी बनाए रखने का निश्चय किया। तो जब इंदिरा गांधी ने जो है अपने कार्यकाल में फ्रांस की जो यात्रा किया तो फ्रांस और जो है भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए। उन्होंने जो है एक संयुक्त साझा विज्ञप्ति जारी किया जिसमें कहा कि हम जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे एक दूसरे के देश में, और जितने भी विकासशील देश हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त की और कहा कि जो है इनको जो है सुधारने की जरूरत है, क्योंकि विश्व में अगर कोई भी देश यदि भूखी, किसी देश की जनसंख्या गरीबी भूखमरी बेरोजगारी से मर रही है तो विश्व का विकास, पूरे विश्व का विकास कैसे हो सकता है। तो उस विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए को जो है विकसित देशों की मुख्य धारा में हमको जोड़ने का प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने महाशक्तियों से दूरी बनाने का जो है प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि हम महाशक्तियों से दूरी बनाएंगे क्योंकि हमको जो है विकासशील देशों के लोगों की जनसंख्या जो भूखमरी बेरोजगारी आदि से जूझ रही है, हमको जो है उनको जो है सामना करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमको प्रयास करना होगा तथा उनको जो है हमको आर्थिक मदद भी पहुंचानी होगी। इसके बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त घोषणा में बाह्य प्रभुत्व या बाहरी हस्तक्षेप से दोनों देशों की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कर्तव्य पर जोर दिया। इसके बाद 1982 में भारत और फ्रांस के बीच विमान संबंधी समझौता हुआ और आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। सोवियत रूस, अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान, चीन, जापान, जर्मनी आदि देशों से फ्रांस के अच्छे संबंध हैं। तो दोनों देशों में एक जो है संयुक्त घोषणा हुई और उन्होंने कहा कि हमको जो है अंतरिक्ष, वायुयान, सैनिक सभी क्षेत्रों में हमको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, हमको जो है साझा रणनीति बनाना होगा, साझा रणनीति के तहत हमको अपने अपने देशों का विकास करना होगा, एक दूसरे के देशों में हमको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। इससे जो है हमारे देश की जो है प्रगति बहुत आगे जाएगी और जो हम अपने उद्योग धंधों में अभी अपने देश को जो है विकसित कर पाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अलावा जो अन्य देश हैं जैसे कि सोवियत रूस, अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान, चीन, जापान, जर्मनी आदि देशों से भी फ्रांस के बहुत अच्छे संबंध हैं। फ्रांस के संबंध तो सभी देशों से अच्छे हैं लेकिन उसने जो है महाशक्तियों से दूरी बनाने का प्रयास किया है क्योंकि जो है वह स्वयं को एक विकसित देश तो है लेकिन जो है उसकी सिंपैथी किससे है, गरीब देशों से है, क्योंकि गरीब देशों को जो है वो सुदृढ़ करना चाहता है, उसकी आर्थिक स्थिति को
जो है सही करना चाहता, क्योंकि आर्थिक जितनी संकट से अब फ्रांस जूझा है तो उसको पता है कि जो है किस प्रकार से आर्थिक स्थिति का संकट, दंश किस प्रकार से झेला जाता है और इसको जो है दूर करने का प्रयास करना होगा। तो जो है पूरी सिंपैथी फ्रांस की जो विकासशील देश हैं उनके साथ है, ना कि महाशक्तियों। तो महाशक्तियों से उसने जो है दूरी बनाने का प्रयास किया है और विकासशील देशों के साथ जो है खड़ा हुआ है। अब देखते हैं फ्रांस की जो है विदेश नीति के व्यवहारिक पक्ष क्या हैं। ये तो सैद्धांतिक पक्ष हो गए जो मैंने अभी चर्चा किया। तो फ्रांस के जितने भी अभी तक मैंने चर्चा किया सैद्धांतिक पक्ष थे। सिद्धांत में व्यवहार में थोड़ा अंतर होता है। सिद्धांत तो हम बहुत आदर्श आइडियल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, यथार्थ होते हैं, तो उसमें भी हमको गौर करना चाहिए, जो जिसको जो है हम अमल में ला रहे हैं। आइडियल तो होता है कि हम जिसको हमने सिद्धांत में हमने व्यवहार सिद्धांत में हम लेके चले थे, पर व्यवहार में हमको उनको अपना नहीं सके हैं, तो एक आइडियल होता है। हम प्रयास करते हैं लेकिन जो है जो यथार्थ होता है तो यथार्थ ही अलग होता है थोड़ा सा। तो हम जो है देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में व्यवहार में कौन सी नीतियां हैं फ्रांस की। अब फ्रांस ने आंख बंद करके किसी कार्यवाही का समर्थन करना छोड़ दिया है। तो जो व्यवहारिक पक्ष है फ्रांस का, तो फ्रांस ने जो है पहले आंख बंद करके जो महाशक्तियों का जो है समर्थन करता था, महाशक्तियों के हाँ में हाँ मिलाता था, तो उसने जो है महाशक्तियों के हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया है। कोई भी अगर महाशक्ति है, अगर उनकी तरफ जो है इंजस्टिस हो रहा कर रहा है, कोई इंजस्टिस किया जा रहा है, तो जो है इंजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और उस पे बोलने का प्रयत्न कर रहा है। और कोई भी राष्ट्र किसी पे अकारण यदि किसी पे अटैक कर दे रहा है तो उसका समर्थन फ्रांस नहीं करेगा। अगला है, अमेरिका ने इराक पर बमबारी की तो फ्रांस ने उसका विरोध किया। तो इसका जो है उदाहरण यही देखने को मिला कि जो है अमेरिका ने इराक पर बमबारी किया तो जो है उसने समर्थन नहीं किया। अगला है, फ्रांस यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक रहा है। फ्रांस जो है मैंने बताया जैसे कि भौगोलिक कंडीशंस फ्रांस की ऐसी है कि यूरोप के करीब है, तो यूरोपीय एकीकरण को का जो है उसने प्रबल समर्थन किया है। अगला है, पश्चिमी यूरोप के देशों ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड इत्यादि के साथ फ्रांस ने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, क्योंकि जो फ्रांस के करीबी देश हैं जैसे कि हॉलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, तो इटली, तो इस प्रकार से उससे घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो है पड़ोसी पड़ोसी के जो है काम आता है, तो इसने जो है इस नीति को जो है अपनाने का प्रयत्न किया है। अगला है, निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को फ्रांस को समर्थन दिया है। उसने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को पहले तो जो है निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया थी तो जो संधि थी तो जो है वो भेदभावपूर्ण थी। इस वजह से फ्रांस ने और चीन ने जो है संधि नहीं की थी, लेकिन लास्ट में उसने संधि पे हस्ताक्षर किया, क्योंकि जो है निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक है। शस्त्रीकरण से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ हानियां हैं, इसलिए निशस्त्रीकरण को अपनाना बहुत आवश्यक है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस ने जो है निशस्त्रीकरण पे हस्ताक्षर किया। अगला है, विकसित देशों के संगठन G8 का भी वो जो है सदस्य है, सदस्य राष्ट्र है। अगला है, राष्ट्रपति दिगाल के समय फ्रांस और चीन के मध्य संबंध बने थे, जिसे राष्ट्रपति सिराक ने आगे चलकर मजबूती प्रदान किया। जो राष्ट्रपति दिगाल ने अपने जो है मजबूत एक विदेश नीति का निर्माण किया, तो सिराक जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे आगे चलकर उसको मजबूती प्रदान किया और उसी रास्ते पर चलकर अपने विदेश नीति को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का प्रयत्न किया है। सारांश में हम देखते हैं, फ्रांस की 1789 की राज्य क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के नारे लगाकर विश्व में प्रजातांत्रिक भावना फैला दी। तो फ्रांस ने जो है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना को फैलाकर पूरे विश्व में जो है इस बात का संदेश देने का प्रयत्न किया है, आपसी भाईचारा बढ़ाने का जो है प्रयत्न किया है।
फ्रांस की राज क्रांति के संदेश ने प्रजातांत्रिक संप्रभु के आपसी संबंधों का श्रीगणेश किया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सूत्रपात किया। फ्रांस ने अतिवादों का परित्याग कर दिया है, फ्रांस ने अतिवाद का परित्याग किया है, मतलब कि हम जो है किसी पर एग्रेशन नहीं अपनाएंगे और किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे, मतलब किसी का मतलब यहाँ पे तात्पर्य किसी देश का, तो किसी भी देश का हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हम विरोध नहीं करेंगे। तो हम अतिवाद को अपना करके नहीं रहे चलेंगे, हम अतिवाद को त्याग करके मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, मतलब कि हम सभी को लेकर के चलेंगे। स्वतंत्र विदेश नीति ने फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। वर्तमान में बेरोजगारी एवं अर्थतंत्र की समस्या से नए राष्ट्रपति के समक्ष चुनौतियां खड़ी हैं, जिसका उनको दृढ़ता से मुकाबला करना है। तो स्वतंत्र विदेश नीति जो कि फ्रांस की जो है स्थित में सुदृढ़ स्थित प्रदान करने का प्रयास हुआ है, तो इसके बाद जो नए राष्ट्रपति हैं उनके समक्ष जैसे कि वर्तमान चुनौतियां हैं पर्यावरण, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और ये सब चुनौतियों का जो है उनको सामना करना है। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए अन्य देशों से अच्छे संबंध, मधुर संबंध हमको बना करके चलना होता है, क्योंकि विदेश नीति का लक्ष्य होता है कि अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हम अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि हमारा राष्ट्र का हित ही प्रमुख होता है। तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हम अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाते हैं, तो जिससे हमारे ट्रेड व्यापार आदि में बढ़ोतरी होती है, उद्योग धंधों में जो है मजबूती आती है, तो अब उद्योग धंधों का विकास होता है तो राष्ट्र का भी विकास होता है। तो सभी राष्ट्रों का जिस प्रकार से प्रमुख लक्ष्य है, फ्रांस का भी उसी प्रकार प्रमुख लक्ष्य अपने देश को विकसित करना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।